अमदावाद खाते ओसो धर्मगुरु विचारधारा ने लईने आगामी योजनारा कार्यक्रम ने लईने प्रेस कॉन्फरन्स नुं आयोजन करवामां आव्युं। अमदावादना बोपल सेलाक होटल मेरेसा खाते ओसोना धर्मगुरुए कॉन्फरन्स नुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां 4 तारीखे थई रहेला महासभा जे साइंस सिटीमां दरेक कोसोना भावी भक्तोने हाजर रहेवा જણાવાયું હતું, ત્યારે આ ધર્મનો મુખ્ય હેતુ માનવીઓને ડિપ્રેશનમાંથી મુક્તિ, ચિંતામુક્ત અને ઓશો વિચારધારાને ઓશો જીવનધારા કેમ બનાવવામાં આવે તે માટેનું ખાસ આયોજન સાયન્સ સિટીમાં 4 ફેબ્રુઆરીએ રાખવામાં આવ્યું છે, ત્યારે ઓશોએ સનાતન ધર્મમાં કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ કરી છે તે વિશે પણ ખૂબ જ સારી માહિતી ત્યાંથી પ્રાપ્ત થશે, જેમના અનુભવ પર આધારિત 3 દિવસનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। ત્યારે મનુષ્ય જ્યારે આનંદની ખોજમાં નીકળે છે અને તે નિરાશ થઈ જતો હોય છે તો એ કેમ નિરાશ થઈ જાય છે તે તમામ પ્રકારની માહિતી આ કાર્યક્રમ દરમિયાન આપવામાં આવશે। ત્યારે તારીખ 4ના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સમર્થન ધર્મગુરુઓ દ્વારા આ તમામ પ્રકારની માહિતીઓ પૂરી પાડવામાં આવશે। અમે એસા મહુવત દ્વારા નહીં આયેગા, બાર બાર નહીં આયેગા, કોકે યા શ્રમ સ્વામી સિદ્ધાર્થ બતા રહે તો મેં કહુંગા કે જ્યાદા સે જ્યાદા સંખ્યા મેં લોગમાં પહોંચે ઓર એસે મહાઆયોજન કા પ્રયાસ પ્રાપ્ત કરે। ઓશો ધારા કે સદગુરુ, ओशो धारा के जीव, ओशो धारा जीवंत धारा, जीवंत इसलिए है कि इसमें सदगुरु है। ओशो के बाद ओशो ने कहा है कि मेरी परंपरा है बहुत साल तक चलेगी वो, लेकिन परंपरा तभी चलेगी जब उसमें जीवित सदगुरु हो, जो अनुभव से गुजरा हो, विश्वास पर आधारित नहीं, अनुभव पर आधारित। तो उस अनुभव ज्ञान को देने के लिए हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ जी पधार रहे हैं अहमदाबाद की धरती पर। 4 तारीख को उनका प्रवचन होगा, बहुत सुंदर प्रवचन, और उसके बाद 5, 6, 7 उस प्रवचन का सारांश का प्रयोग होगा। नए नए जो हमारे मित्र हैं, मैं उन सबको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस प्रोग्राम का लाभ उठाएं और अपनी जिंदगी को खुशहाल, बल बुद्धि और विद्या से अपने को संपन्न और सुसज्जित करें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आप सब मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गजाननन भूतगणादि सेवितं कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंत नाथम। नमस्कार, ओम श्री गुरुवे नमः। आज का जो आयोजन है हम सब का बैठना, जैसे महाराज जी ने बताया, आचार्य ज्ञानमृत जी ने बताया, ओशो शब्द हर भारतीय ही नहीं पूरी पृथ्वी को पता है ओशो क्या है, लेकिन नाम का तो पता है लेकिन उसमें जो गहरे राज हैं ओशो में वो नहीं पता। वो गहरे राज जो ओशो में छुपे हैं वो राज हम जानने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और उसी राज के विषय में 4 तारीख को आपको उस राज का पता चलने जा रहा है। समर्थ गुरु स्वयं यहाँ आ रहे हैं, जीवन धारा जैसे बताइए गुरु की परंपरा में सनातन धर्म में सदा रहा है, गुरु और गोविंद को बराबर रखा है। ओशो के रहस्य को आज के युग में अगर जानना है तो जीवंत परंपरा ओशो धारा है, और उसके जो सदगुरु हैं समर्थ गुरु वो हमें इस रहस्य से गुजारने वाले हैं, इसका पर्दा उठाने वाले हैं 4 तारीख को। यह है कि हर मनुष्य की जो दौड़ है वो जो भी पाना चाहता है उसके पीछे उसका लक्ष्य है कि उसको जीवन में आनंद मिले, लेकिन मिलता दुख है, ये विडंबना है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं 90% लोग बीमार हैं, उनको पता नहीं है लेकिन बीमार हैं। उस बीमारी से स्वास्थ्य की ओर कैसे जाएं, वही पर्दा उठाने आ रहे हैं। और वो रहस्य क्या है कि आदमी चाहता है धन मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले। गुरुदेव कहते हैं धन की आपा धापी में पदमान कामनी कंचन में, यह दौड़ कहाँ ले जाएगी, क्या सार यही है जीवन। यहाँ पर एक अद्भुत आयोजन होने जा रहा है। ओशो का नाम तो सबने सुना है,
जिनके आध्यात्म की चर्चा पूरा विश्व करता है, पर यहाँ पर एक बहुत अद्भुत महाआयोजन हुआ है। ओशो के बाद की परंपरा को चलाने के लिए यहाँ सदगुरु का प्रवेश हुआ है अहमदाबाद में। सदगुरु सिद्धार्थ ओहिया महाराज, सिद्धार्थ जी जो कार्य करने जा रहे हैं, जो ओशो की आगे की परंपरा में छूट गए, जो पीछे जो आत्मा से परमात्मा का जो मिलन की जो साइंटिफिक गतिविधियां हैं, साइंटिफिक जिनको आप तुरंत महसूस कर पाएंगे, वो कार्यक्रम विश्व में चला है। ये हम धनभाग्य हैं कि सिद्धार्थ जी यहाँ पर पधारे और सदगुरु की भूमिका में नवजवान योगों को, ऐसे योगों को जो आज डिप्रेशन का दौर चल रहा है, उस दौर में से बाहर जाने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा अद्भुत महाप्रयोग, महाप्रयोग कहूंगा इसको, तो पूरे विश्व में जाना जाता है पर कराए कम जाते हैं। ओशो के बाद सिद्धार्थ जी ने ये बीड़ा उठाया और वो पहुंचे हुए संत हैं। यहाँ पर उनका जो आयोजन हो रहा है, मैं मीडिया बंधुओं से भी कहूंगा और यहाँ की आपके द्वारा पूरे यहाँ के सब व्यक्तियों को जिनको ओशो के भी हैं और जो नए नौजवान जो अपनी चेतना को छूना चाहते हैं, जो जो विश्व में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ जीवन को जीने की आर्ट सीखना चाहते हैं, वो 4 तारीख को प्रोग्राम में प्राप्त होगा। 4 तारीख में ज्यादा से ज्यादा योग आए और ज्यादा से ज्यादा योग इसमें भाग लें, क्योंकि ऐसा सदगुरु, सदगुरु का मतलब है जो साधक है तुम्हें उठा दे, वो गुरु तो शरणम गच्छामि। ये जीवन का सम्मान करना हमें आना चाहिए, वही रहस्य आपको बताएंगे। और जो सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है किसी भी धर्म का, और खासकर सनातन धर्म का जो मूल मंत्र है ओंकार, उसके ऊपर चर्चा होगी, उसको कैसे एक गुरु से गुरु मंत्र के रूप में पाया जाए, उसके लिए 3 दिन का उसके बाद प्रयोग भी होने जा रहा है और उसमें ही रहस्य से गुजारा जाएगा। इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि मनुष्य बीमार होता जा रहा है मानसिक रूप से, और उसकी बीमारी की वजह से पूरी पृथ्वी तनाव में है, और ये युद्ध जो चल रहे हैं पृथ्वी पर, ये उसी का परिणाम है। आपको नमस्कार। एक बहुत ही सुंदर आयोजन अहमदाबाद के सुंदर शहर में होने जा रहा है, आप सबका स्वागत है। आज भारत, भारत शब्द ही सुनकर पुलक शरीर में होता है। भारत का अर्थ होता है भा का अर्थ होता प्रकाश, रथ का अर्थ होता जो उस प्रकाश की खोज में लगा। तो पृथ्वी के किसी भी कोने में अगर कोई व्यक्ति स्वयं की खोज कर रहा है तो कहते हैं वो भारतीय है। भारत इतना विशाल है, इतना बड़ा है, ये भारत की परंपरा है। उस परंपरा को जीवित करने के लिए प्रत्येक युग में सदगुरु आते हैं। जैसे अभी स्वामी जी ने कहा आपको सदगुरु का अर्थ, सदगुरु वह है जो अस्तित्व के इस नियम को जानता है और उसके अनुकूल जीता है और हम सबको प्रेरित कर सकता है उस नियम के अनुकूल जीने के लिए। तो आज इसकी बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि हम आज विनाश के कगार पर खड़े हैं। चारों तरफ अस्त्र शस्त्र का भंडार लग चुका है, चारों तरफ एक नकारात्मक शक्ति का फैलाव हो चुका है। तो उस फैलाव को रोकने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने सनातन धर्म में जो कैसे व्यक्ति स्वयं को शांत कर सके और अधिक से अधिक व्यक्ति ध्यान में उत्सुक हो सके, उसके लिए ये महा आयोजन किया जा रहा है। जितना अधिक व्यक्ति ध्यान करेगा, शांत होगा, स्वयं के भीतर प्रवेश करेगा, उतना मनुष्य जाति को बचाने का सौभाग्य हम सब पर हो सकता है। क्योंकि भारत, अगर भारत का अस्तित्व मिटता है तो मनुष्य जाति का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि भारत की धरती पर हमारे संतों ने ऐसे विज्ञान का जन्म दिया है जिसको कहते हैं आध्यात्म। 2 तरह के विज्ञान, एक तो है कि बाहर का विज्ञान, ये जो कैमरा, ये जो टीवी, ये जो कंप्यूटर, ये जो मोबाइल, ये सब की जो सुविधा है उसे भारत, उसे बाहर के विज्ञान ने हमें दिया है, तो उनको सलाम करता हूँ। एक दूसरा विज्ञान पैदा हुआ है जो भीतर का विज्ञान, पश्चिम ने बाहर की खोज की, विज्ञान पैदा किया, अंततो गत्वा न्यूक्लियर बम पर हमें ले आया। एक बटन दबेगा हम सब यहाँ पर अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रह जाएंगे। दूसरा पूरब की धरती पर प्रयोग हुआ जो भीतर का प्रयोग हुआ, हमने बाहर को इनकार किया। तो एक नए मनुष्य का जन्म होना है, वो है, उसे ओशो कहते हैं जोरबा दि बुद्धा, अर्थात वो संसार भी सुंदर हो और भीतर संन्यास भी हो, भीतर युद्ध, और उस युद्ध से बाहर कैसे निकले, ये सदा से रास्ता दिखाने वाले गुरु आते हैं।
और उस आज के युग में चूक जाएंगे लोग आज अगर ओशो के इस रहस्य को ना जान पाए। और आज हैं सभी गुरु अच्छे हैं, सभी अपनी अपनी परंपरा के अनुसार बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन एक धीरे धीरे विकास होता है, नित नूतन होता है सनातन धर्म में, नित नूतन आज है, आज के युग में है। जिन बड़े बड़े शब्दों को हमने नाम को, समाधि को, सुमरिन को, अमृत को हमने सुना है, उनको आज अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जा सकता है। आप आइए, एक ऐसी ही स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी हमारे समर्थ गुरु ने बनाई है, जहां आकर इन अनुभवों से भी आप गुजर सकते हैं। ओशो का जो रहस्य है यही तो है, वो कहते हैं बातों से बात कब बनी है, बात तो अनुभव से बनी है, और अनुभव से बात बनेगी। आप अवश्य आए, 4 तारीख को जो महाकुंभ होने जा रहा है अहमदाबाद की धरती पर, 4 बजे आप उसमें पहुंचकर उसका लुत्फ उठाएं और उस रहस्य से आप अवगत हों, तो हम सब आपको स्वागत करते हैं, आपका हम जोरदार स्वागत करेंगे वहां पर। कि आइए समर्थ गुरु के मुखारविंद से आप सुनिए कि ओशो का असली रहस्य क्या है, ओशो क्या कहते हैं सनातन धर्म के बारे में, और ओशो क्या देना चाहते थे इस धरती को, और कहां हम चूक गए, वो चूकने वाले बिंदुओं पर वहां चर्चा होगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। सर आपका नाम और परिचय? मैं आचार्य कुलदीप, ओशो धारा से। अच्छा, ये 4 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वो किस तरह का आयोजन है, कहां पर किया गया है, और इसमें कौन आने वाले? जी नमस्कार, ये जो आपने पूछा कार्यक्रम, ये हमारे साइंस सिटी में है, और जो आज पृथ्वी पर सबसे बड़ा रहस्य का शब्द बना हुआ है ओशो, उसी ओशो के रहस्य को हम जानने के लिए वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। ओशो कहते हैं पृथ्वी पर धन और ध्यान का संगम इस पृथ्वी को बहुत हरा भरा बना सकता है। उसी परंपरा में अगले गुरु, हमारे समर्थ गुरु वहाँ पर आ रहे हैं, और एक महाकुंभ होने जा रहा है, करीब 40,000 लोग वहाँ पहुँच रहे हैं साइंस सिटी में, और इसमें बताया जाएगा कि ओशो की देशना क्या है, ओशो की देशना क्या है, कैसे एक जीवित गुरु के चरणों में बैठकर हम ध्यान कर सकते हैं और धन पा सकते हैं, धन और ध्यान का संगम वैज्ञानिकता के साथ। आज का युवा है जो विज्ञान को जाने बिना, विज्ञान को साथ रखे बिना संतुष्ट नहीं हो सकता। मनुष्य करीब करीब 90% मनुष्य मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बीमार हो चुका है, उसको परम स्वास्थ्य की ओर कैसे लेकर चलें, उसमें वो रहस्य खोला जाएगा। और ओशो का जो मुख्य लक्ष्य था वो था कि इस पृथ्वी पर ध्यान हो और धन हो, और ये पृथ्वी हरी भरी हो, इसको हम आगे कैसे भारत को विश्व गुरु बनाए, और जो हमारे ऋषियों का सनातन धर्म में जो वैज्ञानिकता रही है, हमारे ऋषियों के कोई आश्रम नहीं थे, वो प्रयोगशालाएं थी, जो प्रयोगशालाएं हमारे सनातन धर्म के ऋषि करते थे वो आज भी है प्रयोगशाला, उसमें आज भी प्रयोग चल रहे हैं अध्यात्म के बहुत बड़े प्रयोग, जिनको हम ओंकार सबसे बड़ा मूल मंत्र माना गया है, उसको आप जान सकते हैं गुरु के माध्यम से, आप शब्द को जान सकते हैं, अमृत को जान सकते हैं, समाधि के विज्ञान को जान सकते हैं, सुमरिन को जान सकते हैं। तो आप उसमें, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप पहुंचे अहमदाबाद की धरती पर 4 तारीख को, 4 फरवरी को 4 बजे आप वहां पधारिए, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारा तमाम अपडेट्स मेड़ों माटे जोता रहो डीपी न्यूज गुजराती। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।